हमास और इसराइल की जंग का एक हफ्ता गुजर चुका है। युद्ध के कई सारे फ्रंट खुल चुके हैं और इसराइल खुद को घिरा हुआ पा रहा है। हमास से लड़ रहे इसराइल के सामने ईरान और सीरिया भी बड़ा खतरा बन चुके हैं। इजरायली सेना ने सीरिया के अलपोप और दशमिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रॉकेट दागे हैं, तो सीरिया बढ़ गया। उधर लेबनान भी हमास के समर्थन में है। हिजबुल्ला के लड़ाके हमास के साथ मिलकर इसराइल पर हमला कर रहे हैं। लेबनान और सीरिया अब इसराइल के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बड़ा संकेत भी दे चुके हैं, कह रहे हैं कि युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक हमास का आखिरी लड़ाका मार ना दे। हमास का खात्मा आसान नहीं दिखता। हमास के जल्ला अंडरग्राउंड सुरंग में है और हमास के जितने भी जल्लाद हैं उनको मारना इतना ज़्यादा आसान नहीं हो सकता है। गजा की सुरंग हमास के किसाइयों का शहर है। सुरंग से बाहर निकलने के लिए इजरायली डिफेंस फोर्स बम बारूद बरसा रही हैं। हमास ने इन्हीं सुरंगों में इजरायल के लोगों को बंधक बना रखा है। सुरंग हमास के आतंकियों की लाइफ लाइन है। हमास का मुखिया इस्माइल हानिये और कासिम ब्रिगेड का कमांडर मोहम्मद दानिफ इसी सुरंग के नेटवर्क से ताकत बने हुए हैं। सुरंगों के जरिए इसराइल की नाकेबंदी से बचकर मिस्र की तस्करी करता है हमास। आपको बता दें कि आतंकी इन्हीं सुरंगों का इस्तेमाल रॉकेट लॉन्चर को रखने और इसराइल की सैटेलाइट से बचने के लिए करते हैं। सुरंगों में स्टोरेज, पावर बैकअप और कमांड सेंटर है। हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि इन सुरंगों के अलग अलग गेट आम लोगों के घरों को लेकर जाते हैं, सरकारी दफ्तरों में खुलते हैं। धार्मिक चरमपंथ ईरान, कत्र, लेबनान, सीरिया का समर्थन और अंडरग्राउंड सुरंग नेटवर्क की वजह से हमास की जड़ पर वार करना बहुत मुश्किल है। तभी तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि हमास के सामने तो अलकायदा भी अच्छा है, ये तो राक्षस है। हमास के बनने की कहानी उतनी ही पेचीदा है जितना कि क्रैक करने की कोशिश। आज की जनरेशन को लगता होगा कि हमास को फिलिस्तान ने बनाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमास का जन्मदाता खुद इसराइल है, जिसके लिए आज ये कट्टरपंथी आतंकवादी कैंसर बन चुके हैं। हमास इसराइल का वो भस्मासुर है जो पूरे क्षेत्र को तबाह करने का पर आमद है। ये इतिहास तब का है जब लगभग पूरी दुनिया पर अंग्रेजों का राज था, लेकिन दूसरे विश्वयुद्ध ने दुनिया का भूगोल ही बदल कर रख दिया। युद्ध खत्म हुआ तो अरब अंग्रेजी शासन से मुक्त हो चुका था। अरब को अपना देश और यहूदियों को खुद का मुल्क दख्तर था। ये उस समय की बात है जब दुनिया भर में यहूदियों पर जुल्म के इंतहा हो चुके थे। असल मुसीबत तो तब शुरू हुई जब मुसलमानों और यहूदियों की नज़र ब्रिटेन से आज़ाद हुए ज़मीन के एक बड़े टुकड़े पर पड़ी और दोनों ने उस बड़े टुकड़े को अपने देश के तौर पर बनाना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि मुसलमानों और यहूदियों के बीच झगड़े शुरू हो गए। हालांकि ये झगड़े कई बार नहीं थे या कोई बहुत बड़े भी नहीं थे, लेकिन साल 2047 में संयुक्त राष्ट्र ने आग में घी डालने का काम किया और जमीन के विवादित टुकड़े को दो हिस्सों में बांट दिया। यूनाइटेड नेशंस की पहली जो पहल थी वो पहल पर बंटवारा हुआ और एक नया देश बना, इसराइल, यहूदियों का इसराइल। गैर यहूदी गुस्से से लाल थे और वो इस जमीन के दूसरे टुकड़े की तरफ आ गए। दूसरे टुकड़े की तरफ जब वो आ गए थे, जो गैर यहूदी इसराइल की जमीन छोड़ कर आए थे, उन्होंने फिलिस्तान बना डाला, जिसके दो हिस्से गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पर आज तक विवाद है। मुस्लिम और यहूदियों को अपना अपना मुल्क तो मिला, लेकिन जमीन की खूनी जंग शुरू हो गई। दोनों में से कोई भी अपने देश के बंटवारे के लिए रजामंद नहीं था। अंग्रेज जा चुके थे, इसलिए मुस्लिम यहूदियों की लड़ाई रोकने वाला कोई भी नहीं था। अरब के कई देशों ने इसी बीच मौका ढूंढा और मिस्र, जॉर्डन, इराक, सीरिया से मिलकर फिलिस्तीन के पक्ष में अपनी सेना भेज दी। दुनिया के भूगोल में एक तरफ मुस्लिम मुल्क थे और दूसरी तरफ दुनिया का इकलौता यहूदी देश इसराइल। आयना के आज के एपिसोड में बस इतना ही। अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।